Assalamu alaikum everyone, this is Muhammad Mohsin from Sufi Digital Marketing and I'll be teaching you digital media marketing. We'll be learning the basic concepts and how to get your website ranked on top of Google and other social media channels. We'll be also learning what it entails and how we can make our brand an international one. Talking about digital media, तमाम किस्म की चीज़ें whether it's audio, video, graphics, any type of content that we consume online and offline, it's a part of a process that's called digital media. हर वो चीज़ जो कि आप कंज्यूम करते हैं, चाहे वो आपके दोस्त ने फ़ोटो खींची हो या आपके किसी ब्रांड की आपकी वीडियो देख रही हो, वो डिजिटल मीडिया का ताल्लुक रखता है जब वो आपको डिजिटली ट्रांसमिट होकर किसी डिवाइस के ऊपर आप उसे देखते हैं. वो आपका टीवी नेटवर्क भी हो सकता है, ई न्यूज़पेपर हो सकता है, ई मैगज़ीन हो सकता है, या आपकी वेबसाइट ब्लॉग भी हो सकता है. मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट की या अपने किसी प्रोसेस की या अपने किसी सर्विसेज की प्रमोशन करते हैं. उस एक्टिविटी के ज़रिए, उस सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए आप अपना पैगाम बनाते हैं, उस पैगाम को आगे पहुंचाते हैं और ऑफ़र करते हैं वैल्यू अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट पार्टनर्स के लिए या किसी भी सोसाइटी के मेम्बर के लिए जो आपसे ताल्लुक़ रखता हो. इसके अंदर आप एक्सचेंज करते हैं कोई वैल्यू की चीज़ या कोई ऐसी डिज़ायर, ऐसी ख्वाहिश या कम्युनिकेशन गैप ताकि लोग आपकी बात से मुतफिक हो सकें. डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के एडवांटेजेस का सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज मेरी नज़र में दो हैं. एक, आप अपनी ऑडियंस को टारगेट टैप कर सकते हैं, एंड सेकेंडली इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. बट गोइंग थ्रू द डिटेल्स, लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. टारगेट मार्केटिंग से मतलब ये है कि आपने जिस आदमी तक अपना पैगाम पहुंचाना है, जिस औरत तक आपने अपनी कोई चीज़ बेचनी है या जिस बच्चे को आपने कोई पढ़ाई के लिए अपने साथ मुतमईन करवा के शामिल करवाना है, आप उन लोगों को टारगेट मार्केटिंग के ज़रिए उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं. और सिर्फ पैगाम उन तक ही पहुँचेगा बनस्पत किसी और के पास जाने का. आप अपना पैगाम जो है टेलर कर सकते हैं जैसा कि आप उन्हें सुनाना चाहते हैं. आपके पास इंटरेक्टिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनकी इन्फॉर्मेशन को असेस किया जा सकता है. आपकी चीज़ें बिकने के चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाते हैं. इसमें क्रिएटिविटी का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है और आपका पैगाम बहुत ज़्यादा लोगों तक एक्सपोज होकर पहुँच होता है. इसके अलावा इसकी स्पीड अदर दैन अदर टेक्निक्स बहुत ज़्यादा होती है. इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम आते हैं. इसके अलावा बहुत ज़्यादा लोग चूँकि ये कर रहे हैं लो बैरियर की वजह से, तो क्लटरिंग का भी इशू आता है. लोगों को इस बात का भी डर रहता है कि उनके साथ स्कैम ना हो जाए, प्राइवेसी भी नहीं होती और लोग इसे इरीटेट भी रहते हैं. अदर देन दैट, दिस इज़ ओवरऑल अ बेटर ऑप्शन इन माई ओपिनियन. नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू डिजिटल एडवर्टाइजिंग. डिजिटल एडवर्टाइजिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, वेब एडवर्टाइजिंग भी कहा जाता है. ये एडवर्टाइजिंग की एक ऐसी किस्म है जो इंटरनेट के अंदर ऊपर आप अपना पैगाम, अपने मार्केट मैसेजेस को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं जिन्हें आप अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई डिजिटल. बिकॉज इट हेल्प्स टू टारगेट योर एड. आप अपनी ऐड को टारगेट करें और जिन लोगों तक पैगाम पहुँचाना है वो पैगाम पहुँचाएं. इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मीडिया. इसकी कीमत एक ट्रेडिशनल मीडिया हाउस की नस्बत बहुत कम होती है. व्हेन यू वर अबाउट टू स्पेंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन योर एड्स, नाउ यू कैन डू द सेम थिंग विद वेरी फ्यू बक्स. द अदर थिंग दैट इट हेल्प्स इज कि इसमें रियल टाइम कैंपेन मॉनिटरिंग हो रही होती है. आप देख सकते हैं कि आपकी ऐड किन लोगों को दिखाई दे रही है, उनका रिएक्शन क्या है, क्या वो उसे पसंद कर रहे हैं या उसे इतफाक नहीं कर रहे हैं, और आपको पता होता है आपकी ऑडियंस कहाँ पे, आपका पैगाम आपकी ऑडियंस तक पहुँचा होता है. दर इज़ अ वेरी फेमस केस स्टडी बाई नाइक हेल्थ. जब उन्होंने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि उनका पैगाम उनकी ऑडियंस तक नहीं पहुँचा, तो दे शिफ्टेड. यू नीड टू गो वेयर द ऑडियंस इज, यू नीड टू गो वेयर योर क्लाइंट इज, यू नीड टू गो वेयर योर कंज्यूमर इज, एंड दैट्स व्हाई डिजिटल इज वेरी हेल्पफुल. इसकी एक बहुत ईजी एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग या सोशल मीडिया. ये ऐसे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स खुद अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं, वेदर इट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यू नेम इट. वो इस कंटेंट के ज़रिए से वो दूसरे कंज्यूमर्स को अपने नीचे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी परचेसिंग डिसीजंस को वो अपने लिहाज से चेंज कर सकें. इस काम के लिए कई लोग इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और कई लोग ऐसे ब्रांड अपने सोशल मीडिया चैनल्स को चलाते हैं और कुछ लोग सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी बी लर्निंग इन फ्यूचर इन वेरी सून. नाउ लेट्स लर्न अ बिट अबाउट आवर ऑडियंस.
When it comes to digital audience, we can divide it into sections, organic audience and paid audience. The total reach is the number of people who see your message. जहाँ तक आपका पैगाम जा रहा है वो तमाम लोग आपकी टोटल रीच के अंदर आ जाती हैं. बट द थिंग इज़ कि जो लोग जेनेरिकली आपके पास आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली जिनके ऊपर आपको पैसे नहीं लगाने पड़ रहे हैं, वो मीडिया जो है आपका ऑर्गेनिक कहलाता है और आपकी ऑडियंस ऑर्गेनिक है. एंड व्हेन यू पे फॉर इट, जब आप कोई ऐड रन करते हैं उसके ज़रिए जो क्लाइंट, जो कंज्यूमर, जो फैंस आपके पेज पे आते हैं, पसंद करते हैं, दोज आर कॉल्ड पेड मीडिया, दोज आर कॉल्ड पेड फैंस, दोज आर कॉल्ड पेड फॉलोअर्स. Moving on, we can see that global ad spend by the medium in the going years is going to be very differentiated. Almost 50-51% of all the major global ad spend will be made on digital. So it's a very golden opportune time to opt into this. There was a time when cinema, magazine, newspapers, radios and out of home and TV entertainment and TV ads used to be the main thing. But now this has shifted to digital. Digital is the way and your followers are there. Moving forward, there are three types of media: paid media, owned media and media. Paid media is the things that you pay a certain fee for. Owned media is your own media channels that you own yourself. And earned media is a third party appreciating you. Now let's learn a bit about own digital media marketing channels and ads that include. For example, आपकी website, आपकी social media profiles, your email marketing campaigns and your list of emails that you have, your online branding assets, whether it's logos, images, infographics, your own blog, your online brochures, your other written content such as ebooks and digital white papers, and all the things that you have created your own self or by your brand that entail your brand are called own digital media marketing channels. Secondly, earned digital marketing channels and those assets. These assets are the ones that cover your products, the media coverage that your products get, the services you are selling, or the online content that you have created recently. Those all come into earned media marketing. These are the third party people who are appreciating your products, your services or your online content. They are called earned digital marketing channels. We can also say that social media posts from others that share your content or reference to your company or mention you on their blog or mention you on your Facebook profile, these are also called earned digital media marketing service. For example, अगर मैं अपनी पोस्ट के ऊपर एप्पल की एड लगाता हूँ या एप्पल की किसी पोस्ट को शेयर करता हूँ तो मैं एप्पल को अर्न मार्केटिंग प्रॉप्स दे रहा हूँ. सेम एंड टेल्स अगर मैं जेएस की कोई ऐड लगाता हूँ या कोई और थर्ड पार्टी जो है जेएस की ऐड को वायरल कर देती है तो अर्न मार्केटिंग के जरिए होता है. इसकी एक कॉमन एग्जांपल ऑनलाइन रिव्यू एंड रेटिंग सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे आप दूसरों के प्रोडक्ट्स को रिव्यू रेट करके उनके एक अर्न मीडिया दे रहे होते हो, एक अर्न मीडिया प्रॉप्स दे रहे होते हैं. इसके अलावा अगर आपके आर्टिकल्स किसी और बिजनेस साइट को भी प्रमोट कर रहे होते हैं वो भी अर्न मीडिया में आते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, नाउ कमिंग बैक टू पेड डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स एंड दोज एसेट्स. अब तमाम वो चैनल जिनके लिए आपको पे करना पड़ रहा है, दोज कम इनटू पेड मार्केटिंग. वेदर आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं लाइक बैनर, डिस्प्ले एड्स, चैट, पीपीसी, यू नेम इट, और यू आर डूइंग नेटिव एडवर्टाइजिंग, फॉर एग्जाम्पल पीपीसी एड्स हो गया, या फिर अगर आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट पर एड लगा रहे हैं या उसे बूस्ट कर रहे हैं, ऑल ऑफ दीज कम इनटू पेड डिजिटल मार्केटिंग चैनल्स एंड दीज एसेट्स आर मूव्ड इनटू दैट वन. अब मूविंग फॉरवर्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग ने जो लाइंस थी, जो क्लियर डेफिनेटिव लाइंस थी, उन्हें थोड़ा ब्लर कर दिया है. मिसाल के तौर पे फेसबुक के ऊपर आप ओन मीडिया भी है, आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, आप उस पर एड्स भी लगा सकते हैं और आपकी चीज़ें प्रमोट दूसरे लोग भी कर सकते हैं. तो तीनों चैनल्स एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही हैं. नाउ दिस हैज़ ब्लर्ड सम लाइंस. सेम थिंग हैपेंस टू पेड मीडिया. पेड मीडिया यूज टू बी फॉर मासेस. ये मास कम्युनिकेशन में होता था जब हमने अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर या जो आपकी कस्टमर्स की रेंज होती थी उन सबको अपना पैगाम पहुँचाना होता था. नाउ यू कैन टारगेट दोस्त. आप अपने कस्टमर स्पेक्ट्रम के ऊपर अपने टारगेट को इतना स्पेसिफाइड कर सकते हैं कि आप उन्हें फनल के ऊपर ईच टू द पॉइंट उन्हें गैदर कर सकते हैं. पेड मीडिया जो है ओन मीडिया को क्या कहते हैं, रिजेंबल करता है थैंक्स टू नेटिव एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसेस. और इसके अलावा ओन मीडिया जो है पेड मीडिया की तरह हो गया है ड्यू टू द ओटीसीज फाइंडिंग देम ऑनलाइन. बट वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने उस चीज़ को बनाया भी हुआ है तो विदाउट पेड मीडिया सपोर्ट हो सकता है आपकी एड्स वहाँ तक ना पहुँचे.
फेसबुक ने अपना एल्गोरिथम चेंज कर दिया, गूगल रिसर्च हैज़ ऑल्सो शोन दैट दे हैव चेंज द एल्गोरिथम अ बिट एज वेल. तो अनलेस यू गोइंग टू पेड मीडिया, योर इवन योर ओन मीडिया वॉन्ट गेट सम रिकग्निशन, एंड टू गेट रिकग्निशन यू विल हैव टू डू सम पेड मार्केटिंग एज वेल. नाउ बिल्डिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू लर्न अ बिट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग फ्रेमवर्क. देर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग. इन्हें पुश पुल मार्केटिंग भी कहते हैं. इन वन यू अटैक कस्टमर्स, कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रहे होते हैं. इन द अदर एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज पुल मार्केटिंग. इन वन यू आर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स एंड इन द अदर यू आर सेंडिंग योर मैसेज आउट टू द मासेस. एक के अंदर कस्टमर खुद आपके पास आ रहे हैं, आपकी में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए किसी और तरीके के जरिए लोग आपकी एड्स को देख रहे हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं. इन द अदर यू आर सेंडिंग योर मैसेज, जैसे कि आप एड्स के ऊपर करते हैं अपना मैसेज मासेस को देते हैं ताकि उनमें से कन्वर्जन आ सके. नाउ टॉकिंग अबाउट इनबाउंड, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, इसके अंदर कंपनी जो होती है इंश्योर करती है कंज्यूमर्स उसकी सर्विसेज को फाइंड कर सकें, उसके प्रोडक्ट को ढूंढ सकें, जिसकी मदद से लोग आपके ब्रांड की तरफ खुद ब खुद आते हैं, इसलिए इन्हें इनबाउंड कहते हैं, ऑल्सो नोन एज पुल मार्केटिंग. Main component is search engine optimization and there are the techniques as well that we use in this. On the other hand, outbound marketing and the firms अपना message खुद target consumers पे फेंक रही होती है, इसलिए इसे push भी कहा जाता है. आप push कर रहे होते हैं अपना message अपने consumers तक ताकि वो search ads, display ad, video ad या other type of ads के जरिए आपके brand की तरफ attract हों, उनका brand top of the mind हो और आपकी products को आपकी services को वो लेना चाहें, इसलिए इसे outbound marketing या पुश मार्केटिंग भी कहते हैं. नाउ क्विकली गोइंग थ्रू दीज मार्केटिंग डिफरेंसेस, लेट्स जस्ट फॉलो अप. इनबाउंड मार्केटिंग में इनडायरेक्ट मैसेज होता है, आउटबाउंड के अंदर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है. जो इनबाउंड मार्केटिंग है उसके अंदर ड्यूअल कम्युनिकेशन मॉडल होता है, दोनों तरफ से डायलॉग इंटरेक्शन होती है, और आउटबाउंड के अंदर मास कम्युनिकेशन मॉडल होता है, आप बस अपना पैगाम सब लोगों तक पहुँचा रहे होते हैं. जो इनबाउंड मार्केटिंग होती है रिलेटिवली इसकी कॉस्ट कम होती है, एक्विजिशन कम कॉस्ट करती है और कस्टमर के रिटेन के ज़्यादा चांसेस होते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपकी आउटबाउंड मार्केटिंग है उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्पीड बहुत तेज़ होती है और जल्दी कंज्यूमर्स बन जाते हैं आपके. इनबाउंड के अंदर आपका कंटेंट जो होता है वो पब्लिक से बहुत रेलिवेंट होना लाजमी है, अदरवाइज इट वोंट वर्क. इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग में आउटबाउंड मार्केटिंग जो है वो रिजल्ट जल्दी ले आती है, बट जो इनबाउंड मार्केटिंग है उसका रिजल्ट इवन थो इट कम्स लेटर बट इट इज़ मोर हेल्पफुल इन द लॉन्ग टर्म. इसलिए इसके ट्रैक रिजल्ट जो है रियल टाइम के अंदर आप देख सकते हैं और स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं व्हेन एंड इफ नेसेसरी. नाउ गोइंग थ्रू द प्रोग्राम एंड मैसेजेस, लेट्स गो थ्रू देम वन मोर टाइम. इनबाउंड मार्केटिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन आमतौर पर की जाती है वो इधर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जरिए की जाती है, ब्लॉग्स के जरिए की जाती है, केस स्टडीज, वाइट पेपर्स, पीआर, ईमेल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग और कॉन्टेस्ट के थ्रू की जाती है. ऑन द अदर हैंड आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर आप सर्च इंजन मार्केटिंग कहते हैं, डिस्प्ले एड्स रन कहते हैं, इवेंट स्पॉन्सर कहते हैं या पेड मीडिया की एड्स रन की जाती हैं. इन दोनों का मेन पर्पस होता है कि अपने लैंडिंग पेज पर आप लेके आए अपने कस्टमर को, जब कस्टमर आ जाए एक्विजिट हो जाए फिर उसके बाद आप फनल को एक्टिवेट करते हैं, जिसके अंदर फिर उसकी एक्टिवेशन की जाती है, फिर कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश की जाती है, फिर उसे रेफरल किया जाता है ताकि वो बार बार आपको कस्टमर्स ला कर दें. इसके लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म यूज होते हैं, इट कैन बी योर ईमेल, योर वेबसाइट और योर सोशल मीडिया ऐप. नाउ आफ्टर वी हैव टॉक थ्रू ऑल ऑफ दिस प्लेटफॉर्म दिस स्ट्रेटजीज, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग. Without understanding this model, we can't totally understand this concept and how to capitalize on it. Whenever a consumer comes to a decision-making journey, उसके चार स्टेप से go through करना पड़ता है. Now, let's go through this. Step number one is triggering something. Whenever we need something, हमने कोई चीज़ product खरीदना है या we need it, we want to buy it, या कोई चीज़ break हो गई है हमने फिर खरीदना है, that's a trigger. कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ तलब हो रही है, तो डेट्स अ ट्रिगर फॉर यू. नाउ फर्स्ट थिंग इज इनिशियल कंसिडरेशन, आप इस वाले ब्रांड के बारे में क्यों सोचते हैं. व्हेन यू वांट टू बाय अ कोक, व्हाई डू यू थिंक अबाउट कोका कोला और पेप्सी कोला, व्हाई नॉट सम अदर ब्रांड. व्हेन यू वांट टू डोनेट सम मनी, व्हाई डू यू थिंक अबाउट शौकत खान और वो सम अदर ब्रांड. जब भी आपने कोई काम होता है तो एक सर्टेन ब्रांड आपके दिमाग में क्यों आता है, दैट्स योर इनिशियल कंडीशन सेट. आपने इस चीज़ के ऊपर अपने आप को हावी करना होता है ताकि आप इसे एज अ टोटल होल अपने आप को बेहतर कर सकें.
इन द स्टेप नंबर वन द कंज्यूमर कंसीडर्स इनिशियल सेट ऑफ ब्रांड्स, उन ब्रांड्स में से आप एक सर्टन ब्रांड को चूज़ करते हैं कि यार आउट ऑफ ऑल ऑफ माई एक्सपोजर्स एंड ब्रांड परसेप्शन ना ये जो रिसेंट टच पॉइंट्स है इसमें ये वाला ब्रांड जो है आई लाइक दिस वन बेटर देन ऑल अदर ब्रांड्स, तो आई विल थिंक अबाउट दिस वन। इन द सेकेंड स्टेप कंज्यूमर जो हैं एड या सबटेक्ट बैन करते हैं टू इवेल्यूएट कि वो लेना क्या चाहते हैं, इसमें एक्टिव इवेल्यूशन हो रही होती है, लोग इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, यहीं होती है शॉपिंग फॉर प्रोडक्ट्स एज वेल। थर्ड में अल्टीमेटली कंज्यूमर जो होता है एक ब्रांड को चूज़ कर लेते हैं, भाई जान ये ब्रांड मुझे पसंद आ गया, आई लाइक दिस ब्रांड, आई एम गोइंग टू बाई दिस ब्रांड, इट कैन बी फॉर सर्विस रिलेटेड टू प्रोडक्ट रिलेटेड। नाउ द इम्पोर्टेंट स्टेप इज टू मेक श्योर कि ये सारा जो जर्नी इतना स्मूथ और हेल्थी और गिविंग हो कि आफ्टर दैट मोमेंट ऑफ परचेज आपका जो कंज्यूमर है आपका एम्बेसडर बन जाए। एक दफ़ा आपसे उसने आपको प्रोडक्ट ले लिया, सर्विस ले लिया, वो आपका फ़ैन हो जाए, वो आपका ब्रांड तमाम लोगों को दोबारा वो प्रमोट करे, रिफरल करे, वर्ड ऑफ माउथ बाय लोगों को बताए, भजन आई बोट समथिंग फ्रॉम दिस ब्रांड, आई टुक सर्विसेज फ्रॉम एक्स वाई जी एंड आई लव दिस ब्रांड सो मच दैट आई एम गोइंग टू री डू इट, री यूज़ इट, री कन्फिगर, री यूज समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। सो दिस फोर्थ स्टेप इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन माई आइडियाज। माई आइडियोलॉजी सेज दैट अगर आप कस्टमर्स को अपना एम्बेसडर बना दोगे दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर देम एंड फॉर योर ब्रांड एज वेल। व्हेन अ कस्टमर बिकम्स योर एम्बेसडर ओनली नॉट ही विल बाय योर प्रोडक्ट अगेन, ही विल आल्सो रिफर टू हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड मेक श्योर दैट योर कस्टमर क्लाइंटेल रेंज इंक्रीजेज, स्पेक्ट्रम इंक्रीजेज एंड ओवरऑल योर सेल्स इंक्रीजेज एज वेल। नाउ दिस वॉज अ बेसिक इंट्रोडक्शन इन टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। Thank you for your time and moving forward we will be learning a few more concepts, so stay tuned. Have a great day. Allah Hafiz.